फ्रेंड्स, आज हम जाने जा रहे हैं ब्रेड कटलेट्स, तो उसकी रेसिपी बता रहे हैं हम। पहले शुरुआत में ये है बेसन, और बेसन में मिलाया जाएगा नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सोडा खार और गरम मसाला और पानी। देखिए, हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर रहे हैं और अभी हम इसमें पानी डालेंगे। पहले अभी ये मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, हम पानी डालना शुरू करें अच्छे तरह से, उसको मिक्स करना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अभी ऐसा घट जैसा बनाएंगे और उसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और बना जब हम तैयारी करेंगे फ्राई करने के लिए तब उसको थोड़ा पतला कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अभी हमें ये चीज़ को ऐसा घट रखना है कुछ 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि जो हमने इसमें सारी चीज़ें मिक्स की हुई है मसाले, तो वो 3-4 घंटे में हमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, फिर बाद में हम इन्हें थोड़ा सा लूज करेंगे। देखिए, ब्रेड कटलेट बना रहे थे हम लोग, तो कटलेट्स के लिए हम आलू बॉईल करके मैश करके रख लिए हैं, और ये थोड़ा सा स्टफिंग बनाए हैं हम, इसमें अभी आलू मिक्स कर देंगे। इसमें ये स्टफिंग में है बारीक बारीक कटे हुए गाजर, हरा मटर और पनीर है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और ग्रीन चिली। अगर आपको चाहिए तो बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, या नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी ये मोड़ पे हम क्या करेंगे, ये आलू को उसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब ये आलू है, इसको सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको। देखिए, आलू और सब्जी दोनों मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरीके से। हम इसको सिर्फ 2 मिनट पे लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, अभी ये जो ब्रेड है, ब्रेड को हम ऐसे स्टफिंग भर देंगे, तो उसके बाद इसके ऊपर ऐसे एक पीस रख के उसको तिकोर में कट कर देंगे, ट्रायंगल शेप में हम काट लेंगे उसको इस तरीके से। अभी ये दोनों को बेसन में मिलाकर हम फ्राई करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने कहा था, जब हम फ्राई करने लगेंगे तो हम बेसन को पतला कर लेंगे, थोड़ा सा इतना कंसिस्टेंसी इसका होना चाहिए, इस तरीके से इतना पतला हो रहना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम एक ब्रेड का पीस उठाएंगे, इसमें इस तरीके से डिप करेंगे, फिर पलटा लेंगे इस तरीके से, चारों कोनों में भी अच्छे से लगना चाहिए ये इसका बेसन। उसके बाद में हम इसको इस तरह से तेल में डाल देंगे। देखिए, फ्राई होने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका, तक कोने में देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन जैसे ऐसा होना चाहिए। आप इसको हरी चटनी से, कोथमीर की चटनी से, या कोई भी सॉस से आप इसको सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म खाइए, टेस्टी। थैंक यू। हाँ, इतनी सोच।